दफा 144 सेम्प्लीफायर एक्ट की खिलाफवर्जी का मुकदमा बानी पीटीआई असद कैसर, सैफुल्ला नियाजी, शेख रशीद, सदाकत अब्बासी, फैसल जावेद और अली नवाज मुकदमे से बरी। इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट सेशन अदालत ने बरीयत की दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया। मुलजिमान के खिलाफ 20 अगस्त 2022 को थाना आपारा में मुकदमा दर्ज किया गया था। दफा 144 सेम्प्लीफायर एक्ट की खिलाफवर्जी का ये मुकदमा था। बानी पीटीआई असद कैसर, सैफुल्ला नियाजी, शेख रशीद, सदाकत अब्बासी, फैसल जावेद और अली नवाज मुकदमे से बरी हो चुके हैं। इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट सेशन अदालत ने बरीयत की दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया। मुलजमान के खिलाफ 20 अगस्त 2022 को थाना आपारा में मुकदमा दर्ज किया गया था। दफ़ा 144 सेम्प्लीफायर एक्ट की खिलाफवर्जी का मुकदमा बानी पीटीआई असद कैसर, सैफुल्ला नियाजी, शेख रशीद, सदाकत अब्बासी, फैसल जावेद और अली नवाज मुकदमे से बरी। इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट सेशन अदालत ने बरीयत की दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया। मुलजिमान के खिलाफ 20 अगस्त 2022 को थाना आपारा में मुकदमा दर्ज किया गया था। दफ़ा 144 सेम्प्लीफायर एक्ट की खिलाफवर्जी का ये मुकदमा था। बानी पीटीआई असद कैसर, सैफुल्ला नियाजी, शेख रशीद, सदाकत अब्बासी, फैसल जावेद और अली नवाज मुकदमे से बरी हो चुके हैं। इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट सेशन अदालत ने बरीयत की दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया। मुलजिमान के खिलाफ 20 अगस्त 2022 को थाना आपारा में मुकदमा दर्ज किया गया था।